सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे 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 श्याम। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साथ में नवरात्रि की, जो कि अपने आप में अद्भुत है, सुंदर है। 9 दिन नवरात्रि व्रत हम लोग करते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। 6 वीडियो आप तक पहुंच गई हैं, 6 नवरात्रि पूरे हो चुके हैं। आज हम 7वें नवरात्रि की चर्चा करेंगे, जिसमें ये विषय रहेगा कि माता रानी को कौन से मंत्र का जाप करके प्रसन्न किया जाए। 7वें नवरात्रि में माता के कौन से स्वरूप का पूजन होता है और कैसे माँ प्रसन्न होती है। घर घर में सनातनी जगत माँ भगवती का पूजन करता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन होता है। कौन सी देवी है? कालरात्रि। जिनसे बड़े बड़े दानव भयभीत हो जाते हैं, बड़े बड़े दुष्ट भयभीत हो जाते हैं। हमारे कलकत्ता में आप जाएंगे, बंगाल में, तो बंगाल में अधिकांश काली देवी का पूजन होता है। वहां वैष्णो देवी की पूजा करने वाले लोग कम है, वहां काली देवी की पूजा करने वाले। एक और बात बता दें, काली हो या कृष्ण, इनके जो पुजारी होते हैं ना, उन पर बड़ी कृपा होती है। एक काली हो या कृष्ण हो, इनके पूजा करने वाले लोगों के ऊपर अकारण कृपा होती है और सहज में कम समय में कृपा होती है। काली मां कब आती है? जब जहां देवी देवताओं की शक्ति निष्फल हो जाती है, जहां उनकी शक्तियां काम नहीं आती हैं। रक्त बीज जैसा राक्षस होता है, रक्त बीज को क्या कहा जाता है, दुष्ट देवता मार रहे हैं, उसका सर काट रहे हैं, उसका अंग काट रहे हैं, तो जितनी बूंदे इस पृथ्वी पे रक्त की गिर रही हो, उतने रक्त बीज उत्पन्न हो, उसका नाम ही है रक्त बीज। जितने रक्त की बूंदे गिरेंगी, उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। तो अब क्या करना है? अब ये करना है माई डियर कि रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पे न गिरे, ऐसा प्रयास करना है। तो क्या करना है? काली रण में उतर गई तब काली, और काली कैसी? जय काली खप्पर वाली, हाथ में खप्पर और खड़क। उनकी सवारी क्या है? खर की सवारी करती हैं, खड़क हाथ में रखती हैं, खप्पर हाथ में रखती हैं, काटती जाती हैं और उस सारे रक्त को खप्पर में भर लेती हैं, पृथ्वी पे एक बूंद भी नहीं गिरने देती हैं और सारे रक्त को संभाल के ऐसे दुष्टों का विनाश करती हैं। वैसे ही जैसे दुष्टों का विनाश करती हैं और उनकी बूंद पाप के रक्त की बूंद को पृथ्वी पे नहीं गिरने देती हैं, वैसे ही मां काली आप सबकी रक्षा करें, जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, संत महात्मा ऋषि मुनियों की मां काली रक्षा करती हैं, दुष्टों का वध करती हैं, वैसे ही आपकी सारी बुराइयों का वध करें, दुखों का वध करें और आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तो ऐसी मां काली रात्रि का 7वें दिन पूजा किया जाता है। इनसे तमाम आसुरिक शक्तियां, अशुभ शक्तियां, नेगेटिव शक्तियां इनसे दूर रहती हैं, इनसे दूर भागती हैं। ये देवी अपने उपासकों को अकाल मृत्यु से बचाती है। इनके नाम से उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच राक्षस सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधा भी दूर होती है, इसलिए मां काली का पूजन प्रत्येक सनातनी को 7वें दिन श्रद्धा से करना चाहिए। पूजन विधि, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर कालरात्रि का ध्यान करते हुए उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां को लाल रंग के वस्त्र ही पसंद है। मां को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें और मां को रोली कुमकुम इत्यादि चढ़ाएं। शहद का भी भोग मां को पसंद है, वो भोग शहद का भी भोग लगाएं और इस मंत्र का जाप करें, क्लीम एम श्रीम कालिकाई नमः, क्लीम एम श्रीम कालिकाई नमः। इसकी 5 माला कम से कम करें तो मां कालरात्रि आप सबके दुखों का निवारण करेंगी, संकटों का निवारण करेंगी, दुष्ट बुद्धि विचार का विनाश करेंगी और सदबुद्धि और घर में सकारात्मक एनर्जी प्राप्त कराएं। ऐसी प्रार्थना मां कालरात्रि से करते हैं। 7वें नवरात्रि के दिन मां भगवती आपके ऊपर खूब कृपा करें, ऐसी प्रार्थना आप सबके लिए। राधे राधे।